सो हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों मेरे इस नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके सामने मैं ये बताने वाला हूँ टेक्नल गुरु जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने फिर से एक नया तरीका अपनाया है। वो क्या है तरीका, इस बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा और क्या इसका रिजल्ट आने वाला है उस बारे में बताऊंगा। मेरा नाम है संदीप निषाद, आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक संदीप। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, फिर से एक बार खुलासा करते हैं टेक्नल गुरु जी के इस नई करतूत के बारे में। दोस्तों बात यह है, आज से कुछ दिनों पहले, मैं आपको स्क्रीन शॉट के साथ बताऊंगा, आज से कुछ दिनों पहले टेक्नल गुरु जी ने कई सारे गिव अवे कर चुके हैं, बट उनमें से रिजल्ट सिर्फ एक दो गिव अवे का ही निकला है। जो कि फिलहाल उन्होंने गिव अवे किया था करीब 10 आईफोन का, उसका भी उन्होंने रिजल्ट दे दिया था। बट और भी कई सारे गिव अवे कर चुके हैं जिसका रिजल्ट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। बट वो गिव अवे करते ही क्यों अगर उन्हें अनाउंसमेंट करना नहीं है। फिलहाल कई साल, 2 साल भी हो चुके हैं कई गिव अवे को, तो कई गिव अवे तो 6-6 महीने वो पुराने हो चुके हैं। अब लोगों को तो उम्मीद ही भूल जाती है कि वो फ़ोन किसी व्यूवर्स को भी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। फिर एक नया तरीका, अभी एक और जो गिव अवे टेक्नल गुरु जी ने किया था वो था जिसकी कीमत थी 1 करोड़ रुपये, iPhone 13 Pro Max था, जो कि गोल्ड प्लेटेड था। कैरियर वगैरह, मतलब कैरियर किसी कंपनी है जो इन्होंने गोल्ड का, आपको स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा, गोल्ड का आईफोन था, उसे भी गिव अवे किए थे टेक्नल गुरु जी ने अपने नए चैनल पर जो कि है TG Shorts। लेकिन वहाँ पे अभी तक उसका रिजल्ट नहीं मिला है और उस चैनल को हो चुके हैं करीब 1 साल से ज़्यादा, अभी तक उस चीज़ का रिजल्ट नहीं आया है। इसलिए दोस्तों ये फिर से एक नया स्कैम होने वाला है। अगर ये स्कैम नहीं होता, टेक्निकल गुरु जी जो है वो अपने चैनल पर फिलहाल हफ्ते या महीने भर के अंदर कुछ ना कुछ नया अपडेट दे देंगे इन जो IQ के बारे में जो बताया। अभी फिर से इन्होंने स्क्रीनशॉट और फोटो वगैरह अपने कम्युनिटी पोस्ट में अवेलेबल कराया है, ट्विटर पे भी उन्होंने ये साझा किया है। लेकिन अगर इसका रिजल्ट देखते हैं कब आता है, इन्होंने गिव अवे के लिए तो अनाउंस कर दिया है, मतलब ये जितने IQ के सारे फ़ोन हैं इनका गिव अवे होने वाला है, बट इनका रिजल्ट कितने दिनों बाद आता है देखने की बात ये है। अगर गिव अवे का रिजल्ट 2-3 महीने में आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर साल दे साल इसको भी लगते हैं तो फिर ये स्कैम ही माना जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा टाइम किसी को भी नहीं लगता है। टेक्नल गुरुजी एक जाने का ने टेक के इंडस्ट्रीज़ में नंबर वन पे हैं, बट इनको इतना टाइम लगना बहुत ही ज़्यादा एक अलग ही बात हो जाती है। क्योंकि जब इतने बड़े प्रोफेशनल टेक यूट्यूबर हैं तो इनके पास करीब 50 लोगों की टीम होनी चाहिए और ये जो रिजल्ट्स वगैरह है ये जल्द ही अनाउंस करने चाहिए। फिलहाल अब वेट करते हैं इनके जो रिजल्ट्स है, कब ये गिव अवे अनाउंसमेंट करते हैं और कब ये रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो ये स्कैम ही माना जाएगा, क्योंकि इतना टाइम तो कोई भी नहीं रुकता है, भूल भी जाते हैं कि टेक्नल गुरु जी ने ऐसा कोई गिव अवे करके रखा है। फिलहाल इतनी थी ये अपडेट देना था आपको कि एक स्कैम का नज़रिया हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। मैं टेक्नल गुरु जी की बुरी बात के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, उनके बारे में हेट नहीं बोल रहा हूँ, बट ये एक रियलिटी है। उन्होंने कई सारे गिव अवे करके रखे बट अभी तक रिजल्ट उनका नहीं मिला है। फिलहाल इतना था ये वीडियो में, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और इनका जो IQ का जो गिव अवे आ रहा है, जो इतने सारे स्मार्टफोन है, नहीं तो भी 20 से 25 स्मार्टफोन तो है ही, वो उससे भी ज़्यादा होंगे, क्या है ये गिव अवे, कब आता है इनका रिजल्ट, वेट करते हैं। जब आएगा आपको अपडेट इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा नाम है टेक संदीप, आप देख रहे हैं मेरा नाम है संदीप निषाद, आप देख रहे हैं टेक संदीप। चलिए वीडियो को एंड करते हैं।